आप सेन से मिले? हाँ हाँ, जीनत ने मिलाया था, माशाल्लाह काफी बड़ा हो गया। मैं अभी आई। जोगी, तुम्हारा टीवी शो देख के बहुत अच्छा लगा, तो आज भी वैसी अच्छी लग रही है। हाय, शुक्रिया, थैंक यू। हेलो नादिया। ये बेईमानी है जुबी आंटी, सबसे अच्छा ड्रेस तो आपने अपने लिए छुपा के रखा था। ये ड्रेस तो आपकी शॉप पर नहीं था। ये मैंने डिजाइन नहीं किया। अच्छा, तो ये आपने डिजाइन नहीं किया, इसका मतलब है ये आपकी यूके वाली फ्रेंड जो कि बहुत अच्छी डिजाइनर है, उसने गिफ्ट किया आपको। नहीं भाई, मेरी बेटी आमना ने किया है डिजाइन मेरे लिए। कहने लगी अम्मा आप अपने लिए कुछ नहीं बनाती है, तो इसलिए मेरा ये बर्थडे गिफ्ट है। अच्छा, गांव की मोहब्बत और शहर की मोहब्बत में फर्क होता है, डिफरेंट एटीट्यूड्स होते हैं। मारिया, दुनिया भर में मोहब्बत का एक ही एटीट्यूड होता है। पता नहीं, मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो तुम्हें जला रहा हो। ऐसे भी तो करते हैं ना लोग मोहब्बत में। सियाना, तुम्हें मोहब्बत के बारे में बहुत पता है, कहीं तुम भी तो मेरे हाथ से किसी को पैगाम नहीं भिजवाना है। आते चलो अंदर, चलो मम्मी मम्मी से बोलो, चलो चलो काम करे करो। उठे मुझे। हाँ मैं करता हूँ थोड़ी देर, यार घर पे दावत। हाँ ठीक है। काश मैं भी तुम्हारी तरह होता। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुम्हारी तरह मेरे पास भी कम दोस्त होते, तो मैं सबसे जल्दी से मिल मिलाकर तुम्हारे साथ बैठकर बातें करता। चलो एक तरफ चल के बैठ जाते हैं, वरना फिर कोई बीच में आ जाएगा। ठीक जैसा तुम्हारा दिल है ना वैसी तुम्हारी जबान। तमूर, तुम्हें तो कभी नहीं लगी मेरी बद्दुआ। कोयले जैसी जबान है तुम्हारी। कल तुमने नाम लिया आमना का और आज वो चिपक गई जहन के साथ, जब से चारों तरफ मुलाकातें हो रही हैं दोनों की। तो तुम तो खुश हो ना, तुम्हारी तो जान छुटी मारिया से। हमारी किस्मत में सिर्फ जूबी की बेटियां रह गई हैं। एक चूड़े से जान बच गई तो दूसरी कौन सा आसमान से उतरी है, चाहे कबार। भाई कुछ भी कहो, मैं बहुत कमाल की। तुम्हारी तो हर किसी की बात टपकती है, देख रहे हो कैसे मार्केटिंग कर रही है इसकी। थोड़ी देर पहले पता क्या झूठ बोल रही थी, कह रही थी ये जो ड्रेस मैंने पहनी है ना ये मेरी बेटी ने डिजाइन की,
शर्म भी नहीं आती मुंह पे झूठ बोलते हुए। इसका क्या ख्याल है कि ये अपनी बेटी को हमारी फैमिली में इन करा लेगी? कम से कम जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं तो ये होने नहीं दूंगी।